I love watching Spitsviila. It has कलेश, it has drama, it has love, it has fights, it has everything. मुझे इन स्ट्रेंजर्स का ड्रामा देखने में बड़ा इंटरेस्ट है. And what is not to like about this show? कौन किसका एक्स है, कौन किसका कनेक्शन, कौन टास्क जीता, कौन एलिमिनेट हुआ, कौन बना आइडियल मैच. सिवेत की स्टोरी सही है या फिर अनिका की या फिर लक्ष्य की, हर्ष के लिए रुशाली से ही कनेक्शन है या फिर शुबी. Is Arbaz really married? मेरे दिमाग में तो मैं खुद एक स्पिट्सविलन हूँ. What happened between देकीला and अनिकेत? 19 साल के बच्चे शो के कंटेस्टेंट हैं और इस साल की लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को ब्रो या भाई साहब तो ऐसे बोल रही हैं जैसे ये भूल गई हैं कि भैया और सैया में फर्क होता है. बट जो भी हो, I like to watch it. और जब ये सोशल मीडिया का जमाना है तो इनके कलेश डबल ट्रिपल हो गए हैं. ये लोग लाइव तो ऐसे आ रहे हैं जैसे अपने फ्रेंड्स को फेस टाइम कर रहे हो और ब्रेकअप भी 101 नहीं हो रहा है. सोशल मीडिया के पोस्ट डालकर ब्रेकअप किया जा रहा है. मतलब इस साल के स्पिट्सविला का ड्रामा तो बिग बॉस के ड्रामा से भी ऊपर जा चुका है. हेलो गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी गॉसिप गर्ल मोनिका और शुरू करते हैं इस साल के कंटेस्टेंट्स को एक्सपोज करना. एक्चुअली नहीं, एक्सपोज तो इन्होंने खुद को और अपने फ्रेंड्स को किया है. हम तो बस यहाँ बैठ के उसके बारे में बात करने वाले हैं. सिवेत और अनिका ने तो अपने चाइल्डिश बिहेवियर के वजह से ऑडियंस की नजरों में अपने आप को गिरा लिया है. पहले तो लक्ष्य की वजह से अनिका को हेट मिलना शुरू हो गया कि लोग बोलने लगे कि इतने बड़े ग्रीन फ्लैग के लड़के को तू कैसे छोड़ सकती है, तू ऐसा कैसे कर सकती है लक्ष्य के साथ. और उसके बाद लक्ष्य ने भी कुछ ऐसे पोस्ट को रीपोस्ट करना शुरू कर दिया जिसमें वो खुद तो अच्छे पोर्ट्रे हो रहे थे लेकिन अनिका की इमेज बहुत ही नेगेटिव जा रही थी. अब सोशल मीडिया की पावर तो किसी से छुपी है नहीं. लक्ष्य के इन सारे पोस्ट की वजह से अनिका को लोगों ने हेट करना और अब्यूज करना शुरू कर दिया विदाउट नोइंग द कम्प्लीट स्टोरी, जिससे इफेक्ट होकर अनिका ने अपना दुख अपने कनेक्शन यानी कि सिवेत से शेयर किया. और सिवेत ने भी लक्ष्य से आराम से बात करने की जगह उनको लाइव पर आकर धमकी दी कि ये सारे पोस्ट डालना बंद कर दे. लेकिन लक्ष्य रुके नहीं तो सिवेत ने गुस्से में आकर अपने पॉडकास्ट चैनल पर दुनिया को ये बता दिया कि लक्ष्य शो में झूठ बोलकर आए थे कि वो सिंगल हैं और वो शो से पहले से ही एक लड़की के साथ कमिटेड थे. यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था लेकिन सिवेत ने साथ में लक्ष्य की उस गर्लफ्रेंड की सोशल मीडिया आईडी भी पब्लिक कर दी. अब सिवेत में इतनी मैच्योरिटी तो होनी चाहिए ना कि जो लड़की शो में नहीं है और जिसका इन सब कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है उसे क्यों इन्वॉल्व करना. और सिवेत की इस हरकत की वजह से अनिका हो गई सिवेत से अपसेट क्योंकि वो लड़की अनिका की एक बहुत अच्छी दोस्त है और साथ में एक फैमिली फ्रेंड भी. और सिवेत की इस हरकत की वजह से उस लड़की को सोशल मीडिया पर लोगों ने अब्यूज करना और उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया. बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई. सिवेत के ये करने के बाद अनिका लाइव आई और उन्होंने दुनिया से सॉरी बोला कि सिवेत को ऐसा नहीं करना चाहिए था. और इसको देखने के बाद सिवेत के ईगो पर ये बात लग गई कि मेरा ही कनेक्शन कैसे दुनिया के सामने मुझे गलत साबित कर रहा है. और इसके बाद सिवेत ने अनिका से सीधा बात करने की जगह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर उनका और अनिका का ब्रेकअप अनाउंस कर दिया. अब आप ये बताओ कि ये सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कितना इजीली सॉल्व हो जाती है अगर सोशल मीडिया बीच में नहीं आता. लेकिन इन लोगों को तो सब कुछ ही लाइव पर आकर या पोस्ट पर डालकर करना है. वैसे अच्छा ही हुआ कि सिवेत और अनिका का ब्रेकअप हो गया क्योंकि सिवेत जो ऑलरेडी अनिका से कनेक्शन बनाने के बाद शो में ऐसा बोल सकता है कि अनिका इज नॉट माई टाइप, ऐसे लड़के से तो अनिका दूर ही अच्छी. और सही बताओ तो दुनिया भी जानती है कि सिवेत तो बस मौका ढूंढ रहा था अनिका से अलग होने का बिकॉज सिवेत इज नॉट अ कमिटेड काइंड ऑफ गाय. अब इन सब के बीच में रुशाली की बेस्ट फ्रेंड टोबी जोशी की एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है. अगर गाइज आप लोग को याद हो तो कुछ एपिसोड पहले अनिका ने रुशाली पर ही एलिगेशन लगाए थे कि रुशाली हर्ष को शो के बाहर से जानती है और वो उनके दोस्त का क्रश है. तो गाइज टोबी जोशी वही लड़की है जिसका हर्ष पर क्रश था. पर शो में शुबी की एंट्री के बाद पता चलता है कि हर्ष भी शुबी को पसंद करते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले रुशाली के सामने रो धोकर ये सब कहना कि भाई चाहे जो हो जाए उनके और रुशाली के बीच में कोई नहीं आ सकता, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो हर्ष विला को छोड़कर जाने को भी तैयार है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद शुबी को देखकर वो ऐसे फिसले कि उन्होंने सीधा शुबी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। क्या ही आदमी है ये। मतलब हर्ष शुबी के लिए रुशाली को छोड़ सकते हैं, तो फिर रुशाली के सामने वो रोने धोने की एक्टिंग क्या थी। भाई इतनी अच्छी एक्टिंग मत कर, अच्छे एक्टर्स तुझे जेलस होने लग जाएंगे ब्रो। और ये रुशाली इतना रो क्यों रही है इस बात से कि हर्ष कहीं किसी और लड़की के लिए उसको छोड़ ना दे, या फिर इस बात से कि कहीं शुबी की एंट्री हो गई तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को क्या जवाब देंगी। ये जानते हुए कि शुबी को हर्ष पसंद थे, उन्होंने शो में हर्ष के साथ ही कनेक्शन बनाया। भाई किस बात पर रो रहे हो, समझ में नहीं आया। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल तो ये है कि रुशाली और शुबी में से किसका अपने एक्स से प्रॉपर ब्रेकअप नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर ये एलिगेशन लगा रही है कि भाई पहले अपने एक्स के कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन से तो बाहर आ जा, तुझे हर्ष क्यों चाहिए। बेचारा हर्ष यकीन करे तो किसकी बात पर करे। और ऑडियंस का भी सही है यार, शुबी की एंट्री से पहले तो ये हर्ष और रुशाली ही बेस्ट कपल हैं, इनको ही बस लाइफ टाइम साथ रहना चाहिए। और जैसे ही शुबी की एंट्री हो जाती है, इन्होंने रुशाली को गाली देना शुरू कर दिया कि हर्ष के साथ तो शुबी ही अच्छी लगती है। सही बताऊं तो हर्ष तो है ही दल बदलू, लेकिन हम ऑडियंस भी कोई कम नहीं है। और सिर्फ हर्ष ही नहीं, जशवंत की भी एक्स नंदू को भी अप्रोच किया गया था शो में आने के लिए, लेकिन नंदू ने साफ मना कर दिया। तो फिर स्पिट्सविला की टीम खुद नंदू के पास पहुंच गई सवाल जवाब करने। और जब नंदू से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार उनका और जशवंत का ब्रेकअप हुआ क्यों, तो नंदू ने बताया कि बिग बॉस कन्नड़ के टाइम पर नंदू के घर पर होते हुए भी जशवंत को कोई और लड़की पसंद आ गई थी। और शो के बाद जब नंदू इस बारे में जशवंत से बात करने गई तो जशवंत ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। सही कहते हैं, मैन विल बी मैन। देखना हर्ष का तो जल्दी ब्रेकअप होगा ही रुशाली से, पर जशवंत का भी भाई भरोसा नहीं है। आप जब ब्रेकअप की बात हो ही रही है तो दिग्विजय और उन्नति की भी बात कर लेते हैं। नहीं, इन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है। अरे ब्रेकअप होगा भी कैसे, रिलेशनशिप तो शुरू हो जाए पहले। और जो ये लोग साथ में आपको दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो बस एक तरीके का कोलैबोरेशन है, एक ऐसा कोलैबोरेशन जिसमें जब तक शो टेलीकास्ट हो रहा है तब तक इन दोनों को बस साथ में रहने की एक्टिंग करनी है। इससे क्या होगा, शो में इनको स्क्रीन टाइम अच्छा मिल जाएगा और लोग इनको सच्चा समझकर फॉलो करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही फॉलोवर्स बढ़ेंगे, इनको ब्रांड्स अप्रोच करना शुरू कर देंगे फॉर द पेड कोलैबोरेशन। क्या सही दिमाग लगाते हैं ना ये लोग। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। आपको इस साल का सबसे फेक कपल कौन लग रहा है, जो अपने हिसाब से तो बेस्ट एक्टिंग कर रहा है, लेकिन एज ए ऑडियंस आपको भी साफ दिख रहा है कि ये सब सिर्फ ड्रामा है एंड वेरी फार फ्रॉम रियलिटी। मुझे अपना जवाब कमेंट में जरूर दें, और ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपने गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। और एक बात, किसी को भी जज करने से पहले उनकी पूरी स्टोरी जान ले। इसी थॉट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइस, टेक केयर।